बिहार में इस समय जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि आरजेडी शुरू से ही इस मुद्दे को भुना रही है, लेकिन अब जेडीयू भी जातिगत जनगणना का समर्थन करके क्रेडिट लेने की होड़ में लग गई है। वहीं जेडीयू की इस नीति के चलते बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब केंद्र और राज्य बीजेपी आपस में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। जातिगत जनगणना ऐसा मुद्दा है जो बिहार की राजनीति में एक अहम रोल निभाता है और समय समय पर यह मुद्दा उठता रहता है। ऐसे ही अब एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया है, लेकिन इस मामले में खास बात यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में ही बहस छिड़ गई है। वहीं अब ये मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है और अब बीजेपी में ही दरार देखने को मिल रही है। केंद्र और राज्य बीजेपी में ही मतभेद शुरू हो गया है और इसका कारण जेडीयू को माना जा रहा है, क्योंकि अब इस मामले पर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है और इसी के चलते बिहार बीजेपी के अंदाज बदले हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक जाति जनगणना का विरोध कर रही बीजेपी अब सर्वदलीय बैठक में शामिल होने जा रही है और इस बात का ऐलान किया है बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने। आपको बता दें कुछ महीनों पहले बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया था कि जाति की जनगणना नहीं की जा सकती है। हालांकि बिहार भाजपा ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती है जिससे ये आभास हो कि पार्टी जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को रोकना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बिहार बीजेपी नीतीश कुमार का साथ देने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिर्फ जेडीयू को इसका राजनीतिक फायदा मिले। इसके साथ ही बीजेपी इस बात को जानती है कि बिहार अपनी जाति की जनगणना करता है और इसका श्रेय नीतीश कुमार को ही मिलेगा। अब बिहार बीजेपी के बदले हुए सुर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र और राज्य बीजेपी बढ़ चुकी है, जो आलाकमान के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।